अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तनवीर प्रोडक्शंस और मैं हूं तनवीर अहमद भट्ट। इस वक्त मौजूद हैं हम जम्मू कश्मीर के एक पीर पंचाल रेंज में, एक पहाड़ पड़ता है लपरी टॉप के मुकाम पर। लेकिन जो एक बार मैं आपको जेके न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाया था लपरी टॉप, ये वो वाला लपरी टॉप नहीं बल्कि ये दूसरा लपरी टॉप है, जहाँ से एक तरफ डिस्ट्रिक्ट रियासी के ऊँचे ऊँचे पहाड़ भी दिखाई देते हैं। आज यहाँ पर बर्फ़ भी है और ये जो पीछे के पहाड़ आप देख रहे हैं पीर पंचाल रेंज है और नीचे जो गांव है मैं आपको कैमरा के माध्यम से दिखाऊंगा, छछुआ इंद का इलाका दिखता है जो डिस्ट्रिक्ट रामबन का हिस्सा है। और इस तरफ से बिल्कुल नज़दीक हमारे खनीकोट भी नज़र आ रहा है और सामने सावलाकोट और बाकी पीर पंचाल के ऊंचे ऊंचे पहाड़, कटरा वैष्णो देवी के जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वो भी यहां से नज़र आते हैं। और मैं कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह का माहौल है इन पहाड़ों के ऊपर और किस तरह से यहां पर कुछ तालाब भी बनाए गए हैं जो आपको मैं दिखाने की कोशिश भी करूंगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर खासकर देखा जाए तो आज यहाँ बर्फीले पहाड़ हैं। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त हैं, शब्बीर अहमद भट्ट हैं, मेरे साथ सज्जाद खान हैं। तो आज हम इन पहाड़ों के जो कुछ अहम मनाजिर हैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यही वो पहाड़ है जो ज़िला रामबन और ज़िला रियासी को डिवाइड करता है। बहरहाल पूरा पहाड़ तो नज़र नहीं आएगा क्योंकि इस पहाड़ की लंबाई जो है ज़िला रियासी से ही स्टार्ट होती है। अगर देखा जाए खासकर तो ढेडा से शुरुआत होती है और इसकी एंड जो इसका होता है वो स्टंगर सुंबड़ के इलाके के पास गुगलानी बग्गी का इलाका है जहाँ पर इसका एंड होता है। लेकिन बहरहाल फिर भी जितना नज़र आता है इस पहाड़ के अगर हम इस जानब देखें तो यहाँ पर आपको खनीकोट का इलाका नज़र आएगा। इस साइड में नीचे खनीकोट का इलाका है जो जूम करके मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये खनीकोट का इलाका है, थोड़ी सी बस्ती नज़र आती है यहाँ पर। और फिर इस साइड हम जब पहाड़ी को क्रॉस करेंगे तो धनोड़ का इलाका आएगा और फिर बाकी जो यहाँ के इलाके हैं वो जुड्डा वगैरह सारे इलाके यहाँ पर इस साइड में हैं। सावलाकोट है, खनीकोट है, बक्कल और कौड़ी पुल जो दुनिया का सबसे ऊँचा पुल है वो भी इसी जानब में है जो हम अभी देख चुके हैं और वहीं से हम वापस आए हैं। और अगर हम इस पहाड़ की फिर इस जानब की बात करें तो यहाँ पर आपको इंद, छछवा और ढेडा, गूल सारे इलाके यहाँ पर नजर आएंगे। गूल तो थोड़ा इस पहाड़ी की उस साइड में है, दूसरी जानब में है जो इस वक्त यहाँ से नज़र नहीं आएगा। लेकिन बहरहाल ये जो इलाका आप देख रहे हैं हम जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे, ये दाचन का इलाका है। और इसी साइड में अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये वाला इलाका जो है डाउन एरिया में, ये आ गया इंद और आ गया छछुआ। फिलहाल इंद ये इलाका है, मैं आपको सुन करके दिखाने की कोशिश करूंगा। ये इलाका है जिसमें आधा छछुआ भी नज़र आता है, लेकिन अगर आपने कंप्लीट छछुआ देखना है तो फिर हम आपको यहाँ लेके चलते हैं। ये जो सामने का इलाका है ये है छछुआ का इलाका जिसमें आपको बराला का रोड भी नज़र आएगा। ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है कटिंग हुई है ये बराला के मुकाम पर रोड है। और थोड़ा क्रॉस करके आप इस पहाड़ी पर फिर एक वाइट कलर की आपको लाइन नज़र आ रही होगी, ये छछुआ है, प्रॉपर छछुआ का रेलवे रोड। और अगर हम ऊपर की बात करें तो फिर यहाँ से ऊपर जो है एक शहीदी रोड भी है जिसकी कोई यहाँ पर शिनाख्त नहीं हो रही है क्योंकि पूरी तरह से नज़र नहीं आ रहा है, कैमरा में नज़र नहीं आ रहा है। बहरहाल ऐसे अच्छी तरह से नज़र आता है। और ये है छछुआ का इलाका, यहाँ पर आपको हाई स्कूल छछुआ और सब चीज़ें दिखेंगी। और हाई स्कूल देखना हो तो मैं कोशिश करूँगा जूम करके अगर दिखे, लेकिन बहुत इम्पॉसिबल है, जूम करके पूरी तरह से नहीं आ रहा है। लेकिन ये है हमारा इंद छछुआ का इलाका और बहुत ही प्लान और बहुत ही बेहतरीन इलाका है। और ये आ गया सब डिवीज़न गूल के इलाके, ज़िला रामबन। और फिर अगर हम इस साइड की बात करें तो ये पहाड़ है, ये बॉर्डर है इसका और इस साइड में आ गया ज़िला। तो चलिए दीजिए जाते हैं अगली वीडियो में।
लिए चले गए। पहाड़ों का जीना कैसा है और किस तरह पहाड़ी लोग जो हैं पहाड़ों के ऊपर अपनी जिंदगियां बसर करते हैं, अगर आप इन पहाड़ों की विजुअल्स देखेंगे तो यूं लगता है कि जैसे कयामत ही हो इन पहाड़ों के ऊपर से चलना। लेकिन फिर अगर अंदाज़ा लगाया जाए कि गदी लोग जो होते हैं और गुज्जर बकरवाल लोग जो अक्सर इन्हीं पहाड़ों के दामनों के बीच में रहते हैं तो किस तरह यहाँ पर ज़िंदगी बसर करते होंगे, ये सोचना बहुत ही मुश्किल है। और ख़ासकर देखा जाए जो शहरी लोग होते हैं वो प्लान इलाकों में रहते हैं और अक्सर गाड़ी का बंदोबस्त होता है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए किस तरह के रास्ते हैं जहाँ से चलना इंसान के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और शहरी लोगों के लिए तो पुलसरात से कम नहीं है। ये रास्ते आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। ये पहाड़ी रास्ते हैं जहाँ से माल मवेशी लेकर भी ये लोग चलते हैं। ज़िला रामबन से अगर देखा जाए इंद छछवा का इलाका क्रॉस करके जब ढेड़ा क्रॉस करेंगे या गूल से आगे आप इन पहाड़ों में आएंगे तो इस पहाड़ को क्रॉस करने के बाद ये रास्ता जाता है ज़िला रियासी की तरफ, जो एक लोकल रास्ता है पहाड़ों के ऊपर से। और पहाड़ों के दामनों के बीच से ये रास्ता जो है ज़िला रियासी के दनहोड़ इलाके की तरफ जाता है। और इधर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे इलाके हैं जिन इलाकों का नाम मैं पूरी तरह से नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर एक स्कूल भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये गुस्सेई स्कूल है जो इन पहाड़ों के बीच में एक स्कूल है जहाँ पर पहाड़ी जो ज़िंदगी बसर करने वाले लोग हैं इन पहाड़ों के बीच में वो यहाँ पर अपनी तालीम हासिल करते। और ख़ासकर देखा जाए ये पहाड़ी इलाके ऐसे ही नहीं हैं बल्कि यहाँ से इन्हीं इलाकों से निकले हुए कुछ हीरे हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन किया है। मन्नत नूर की बात की जाए जो वॉइस ऑफ पंजाब की सुपरस्टार हैं और इस वक्त वॉइस ऑफ पंजाब में एज ए जज भी काम कर रही हैं, तो वो भी इन्हीं इलाकों से निकल कर गई हैं, डुग्गा की रहने वाली हैं। और ऐसे ही पहाड़ी इलाकों से निकल कर वो यहाँ से गए हैं। खासकर अगर चाना शिकारी की बात की जाए तो इसी पहाड़ के दूसरी जानब में जो है चाना शिकारी और मोहर वगैरह का इलाका आता है जहाँ से आपने शाम साजिन को देखा होगा, वॉइस ऑफ पंजाब के सेमीफाइनल जीत चुके हैं। और काफ़ी सारे बाकी भी यहाँ के जो हैं टैलेंटेड नौजवान हैं जो यहाँ पर इन्हीं पहाड़ों से अपनी कैरियर की शुरुआत की है। ये मकान आप देख रहे होंगे कैसी जगहों में यहाँ पर लोगों का रहना जो है बहुत ही मुश्किल है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर सर्दी के मौसम में तो और ज़्यादा मुश्किल है, अब थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी यहाँ पर गिर चुकी है कुछ ही दिन पहले, लेकिन अब आस्ता आस्ता खत्म हो रही है, पिघल रही है। बहरहाल हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे आगे भी काफ़ी सारे विजुअल्स, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दीजिए इजाज़त, आदाब व सलाम।